एक बार मैं अभी अभी देख रहा था टेक महिंद्रा जो कि डे हाई पे फ्लो करता हुआ और अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ। जरा ऐसा बताइएगा जब जयपुर जब थ्रू हो, लेकिन उससे पहले एक बार प्रकाश सर जरा टेक महिंद्रा को देखेंगे। जी हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है टेक महिंद्रा। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, स्पॉट नहीं किया था, लेकिन आपने किया, उसके बाद लगता है यस, हायर टाइम फ्रेम का जो मैं चार्ट देखता हूँ टेक महिंद्रा का, तो मुझे यहाँ पर पसंद है। लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1013 में, स्टॉप होगा 1000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है साइकोलॉजिकली। क्या ये 1030 जा सकता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, मैटर ऑफ टाइम। बट लुक्स लाइक टेक महिंद्रा अच्छा लगता है, गुड। टेक महिंद्रा कुछ लग रहा है, लेकिन आज की जो कॉल्स थे ना आप स्वाति जी के, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी को स्क्रीन पे लेके आइएगा। अदानी इंटरप्राइजेस इस वक्त अब एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में जाता हुआ। दरअसल ओपनिंग स्ट्रांग हुई लेकिन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे मा को बाइसेक्ट नहीं कर पाया। अब ये शुक्रवार के कैंडल के लो को वॉयलेट कर रहा है, और अगर आप शुक्रवार के कैंडल के लो को वॉयलेट करते हैं तो एक तर्कसंगत सपोर्ट अगर उसके बाद कोई आता है तो वो है शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक स्पॉट का सवाल है, वो आता है करीब करीब यहाँ से 3564 के जोन में, जहाँ पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक सेकंड थॉट लेते हैं इस पे स्वाति जी, अब डेलो पर अदानी इंटरप्राइजेस। यस, अडानी एंटरप्राइजेस मैंने शॉर्ट दिया था वीरू जी, बिकॉज उसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो कंफर्म हुआ था नवंबर मंथ में, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस जब भी आता है तो हमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिल सकता है। अगर आप लास्ट 3 वीक का भी डेटा देखोगे तो लोअर टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा था वीकली चार्ट पे, तो आई बिलीव यस इसमें और हमें प्रॉफिट बुक। कोई भी अगर उछाल भी आता है तो हम लोग ने देखा कि 20 DMA तक जाता है, वहां से वापिस हमें सेल ऑफ नजर आता है, तो इट्स सेल ऑन राइज ये पैटर्न में चल रहा है फिलहाल। तो काउंटर मुझे लगता है ये रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए देखेगी, जो भी प्रॉफिट बुकिंग के देख रहे हैं। कैश में 3600 would be the first target, below that level 3580 के लेवल्स में देखती हूँ 2 से 3 दिनों के लिए।